हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन डेक्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था, जो RSB JEE के फॉर्म चल रहे हैं, तो AWS के कारण फॉर्म फिल होंगे या नहीं होंगे दोबारा से, तो उसका ऑफिशियली कुछ डेटा आया है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम जो भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको ऑफिशियली प्रोवाइड करते हैं और ऑथेंटिक देते हैं। इतने दिनों तक लोग कह रहे थे, सर आप ऐसे कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कोई फॉर्म ओपन नहीं होगा, ये IBPS करवाती है, इसमें राजस्थान का कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, राजस्थान की वैकेंसी है तो उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो होगा ही। अब EWS का बोला लोगों ने कि सर उसमें ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो वो रिजर्वेशन केवल वीमेंस को था, फीमेल्स को था, जो कि 5 साल का था, ठीक है। तो फीमेल्स तो रिजर्वेशन है, मेल कैटेगरी को भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल आप जो फीमेल को ही देंगे। तो दोस्तों, इसकी ऑफिशियली जानकारी मैं आपको देता हूँ, जो कि ट्वीट हैंडल से मिली है हमें। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों ने उपेन्द्र यादव का नाम सुना होगा, ठीक है, उनकी तरफ से आइए, राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनी की भर्ती में फिर से मांगे जाएंगे आवेदन, AWS आरक्षण अभ्यर्थियों को दिया जाए आयु व फीस की छूट का फ़ायदा। हालांकि मैं मानता हूँ इसमें फीस में मुश्किल ही छूट दी जाए, क्योंकि जैसे OBC की माने तो उसमें उनको भी छूट नहीं दी गई है, 2.5 लाख से कम है उनकी, तो उस कारण हो सकता है इसमें फीस में छूट ना हो, लेकिन EWS के कारण आपको जो आयु में वो छूट जरूर मिलेगी। कार्मिक विभाग के आदेश का इंतजार परीक्षा में हो सकती है देरी, दोबारा बनेगा पूरा प्रोग्राम। तो यही है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कल या परसों में आ जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो हो सकता है एग्ज़ाम आपकी लास्ट अप्रैल या मई में फर्स्ट वीक में हो जाए, और हालांकि हो सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन इसका पूरा दोबारा से आएगा, जैसे पहले नोटिफिकेशन आया था उसी तरीके से एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। पूरा A to Z प्रोसेस सेम टू सेम चलेगा, उतने दिन मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी कि AWS से ही आप अप्लाई कर सकते हो, हालांकि जो भी आप अलग कैटेगरी से तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्वीट हैंडल और जिनसे कि जो कि बिजली विभाग की सबसे पहले ही जानकारी प्रोवाइड करते हैं, श्याम राज शर्मा जी, जो कि एक अपने एडिटर है, तो इनकी देखिए, राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियों की भर्ती में फिर से मांगे जाएंगे आवेदन, AWS आरक्षण अभ्यर्थियों को दिया जाएगा आयु व फीस की छूट का फायदा, कार्मिक विभाग के आदेशों का इंतजार परीक्षा में हो सकती है देरी, दोबारा बनेगा पूरा प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये कंफर्म हो गया है कि EWS के कारण फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, वो कोई भी वैकेंसी हो XYZ, ठीक है। अगर अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इसकी टेंशन मत कीजिए कि फॉर्म दोबारा से अप्लाई होंगे तो कौन कौन कर सकते, सब अप्लाई कर सकते हैं, इवन तो EWS से, इट डजेंट मैटर, ओके, आप EWS से हो या नहीं हो, इट्स मैटर नॉट मैटर, ठीक है। मैटर करता है कि फॉर्म अप्लाई होंगे, उसी तरीके से एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा सब कुछ डिवाइड करके, हालांकि वैकेंसी वो की वो ही रहेगी, ठीक है, केवल EWS में इसमें जो EWS के कारण और जो नई फॉर्म फिल करा पाए थे पहले, वो किसी भी कैटेगरी से वो भी फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप, और मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उससे ज्वाइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोई भी डाउट हो वहाँ भी पहुँच सकते हैं आप हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि हर लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।